आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों चंद्रशेखर आजाद रावण की। देखिए चंद्रशेखर आजाद रावण की बायोग्राफी मैं रिव्यू करूंगा। आपको पता ही है मैंने 700-800 से ज्यादा लेक्चर्स लिए हैं जिसमें 600 तो बायोग्राफी है। तो अगर हम बायोग्राफीज की बात करते हैं तो मैं सबकी बायोग्राफी रिव्यू करता हूं, सारे पॉलिटिशियंस की, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों। जिनकी कहानी बताने लायक होती है मैं उनकी बायोग्राफी लेके आता हूं। तो आपसे अनुरोध है, लेक्चर शुरू होने से पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि कृपा करके कोई भी ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज ना करें कमेंट बॉक्स में, ऐसे शब्द यूज ना करें जो किसी को ठेस पहुंचाए। अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, ऐसे शब्द यूज करते हैं तो फिर ये आपके ही कैरेक्टर को दर्शाता है। बिल्कुल ऐसे वर्ड से परहेज करें, और अगर कोई ऐसा वर्ड यूज कर रहा है तो आप मुझे बताएं, वो तुरंत ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी भी बात से डिसएग्री करते हैं तो आराम से वो लिख दीजिए, अच्छी लैंग्वेज में लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, प्यार से। ठीक है, लेकिन गाली गलौज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुझे इनकी रिक्वेस्ट आई थी तो इसीलिए मैं इनकी बायोग्राफी लेके आया हूं। तो हम चंद्रशेखर आजाद रावण की बायोग्राफी को देखेंगे, कहानी जो रही है इनकी देखेंगे, और पॉलिटिक्स जो रही है इनकी वो भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पिक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, अपने नंबर से कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। अब मैं ट्विटर पे भी आ गया हूं दोस्तों, आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये रही मेरी आईडी। तो अगर हम बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण की, रावण इन्होंने नाम इसलिए लिया, देखिए जो लड़ाई है, चलिए मैं पहले थोड़ा बैकग्राउंड आपको क्लियर कर देता हूं। ये जो लड़ाई है ये ऊंच जात और नीच जात की है। आई एम रियली सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट ये यूज होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और आज भी हम देखते हैं कि छूत अछूत ये जो धारणा है ये बहुत सारे गांव में चली आ रही है। वेस्ट यूपी में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, और वेस्ट यूपी में दलित लीडर्स बहुत सारे हैं। मायावती, सहारनपुर मायावती, बहुत ज्यादा प्यारा था सहारनपुर मायावती को। मायावती एक बहुत बड़ी दलित लीडर, उससे पहले काशीराम, 1977 में जब एक सभा में मायावती ने ये बोला कि हमको हरिजन नहीं कहलवाना है, तब वहां से वो काशीराम की नजर में आई। तो मायावती बहुत बड़ी लीडर, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, और एक कास्ट डिवीजन, ये जो वर्ण सिस्टम है, वर्ण प्रथा, ये लेटर वैदिक पीरियड से शुरू हुई। सबसे ऊपर आपके ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये पूरी दुनिया में डिवीजन था दोस्तों। कास्ट सिस्टम जो है, सोसाइटी का डिवीजन ना, ये पूरी दुनिया में था। चाहे आप रोमन एम्पायर की बात कर लें, चाहे आप ग्रीक्स की बात कर लें, चाहे आप रशियन एम्पायर की बात करें, हर हर जगह था ये, ठीक है। लेकिन ये गलत है, गलत है। अगर कास्ट डिवाइड हो रही है और स्पेशली जो सबसे लोअर स्ट्रेटा है, अगर उसको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। इसीलिए जब भारत आजाद हुआ तो हमारा संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 में संविधान पूरा कंप्लीट, और 26 नवंबर 1950 को मैंने पूरा ये लेक्चर क्रिया किया है, बीआर अंबेडकर की बायोग्राफी और हमारा संविधान कैसे बना, वो पूरा सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। तो वो इफेक्ट में आया, ठीक है, मतलब 26 नवंबर को अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी से वो इफेक्ट में आया। अब हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है कि हम एक सेक्युलर देश हैं। तो हमारा संविधान जब इफेक्ट में आया, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में, फंडामेंटल राइट्स उसमें है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, पता ही है आपको। उसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहला, जहां से हमारा ये फंडामेंटल राइट शुरू होता है आर्टिकल 14 से, मतलब वैसे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में तो क्या है फंडामेंटल राइट्स में, इसको अमेंड किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है, वो डिफाइन है। लेकिन आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी, इसमें राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है कि हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उसके बाद अनटचेबिलिटी, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ठीक है, कि हम किसी को भी, हालांकि अनटचेबल ये जो वर्ड है कहीं संविधान में डिफाइन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज भी हम गांव में देखते हैं ये सब कुछ होता है, और चंद्रशेखर आजाद ने भी एक्सपीरियंस किया, ठीक है। तो अब यहां पे जो कहानी शुरू होती है ये तो बहुत सालों से है, और ये जो प्रथा है ये चल रही है, अक्सर आप वीडियोस देखते होंगे, गलत है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कोई समान है। तो चंद्रशेखर आजाद की कहानी 2013 में शुरू होती है। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, इनके इंटरव्यूज देखे। अब अपने बारे में तो इतना नहीं बताते हैं, ठीक है। 6 दिसंबर 1986, 3 दिसंबर 1986 विकीपीडिया के हिसाब से इनका जन्म हुआ, और कुछ आर्टिकल्स पढ़े और इंटरव्यू में तो ये अपने बारे में इतना नहीं बताते हैं, लेकिन जो है वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो 1986 में इनका जन्म हुआ, और 2013 में जब इनके पिताजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई तो हुआ क्या कि इनके पिताजी ने कुछ इनको बताया, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और बताया कि हमको अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए, लो कास्ट से आते हैं ये, ठीक है।
तो अब कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए तो हमको यहां पे खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा रावण, हाँ रावण इन्होंने सरनेम क्यों लिया? ये बोलते हैं कि जो रावण था वो बड़ा ही बुद्धिमान इंसान था, उन्होंने अपनी बहन के लिए युद्ध छेड़ दिया, उन्होंने सीता को कुछ नहीं किया और काफी बलशाली था और कमजोरों के लिए खड़ा होता था, तो इसमें इसीलिए इन्होंने रावण लगाया अपने आगे कि रावण को हम यूज करेंगे, मतलब इसको एज अ सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बताते हैं रावण का जस्टिफिकेशन ये है, तो इसीलिए इनको चंद्रशेखर आजाद रावण बोला जाता है। ठीक है, तो अब ये घड़कौली विलेज से आते हैं। घड़कौली विलेज में हम देखते हैं कि यहां पे जो कम्युनिटी है, जो लो क्लास कम्युनिटी है, वो बहुत स्ट्रांग है। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे गांव है घड़कौली। तो 2013 में इनकी शुरुआत हुई और 2014 में इन्होंने भीम आर्मी बनाई। अब भीम आर्मी का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने कोई पूरी की पूरी फौज तैयार कर ली है, इसका दूसरा नाम है भारत एकता मिशन, कि हम उन लोगों को राइट्स देंगे जिनको अभी तक राइट्स नहीं मिले। ये हमेशा अपने साथ संविधान की कॉपी लेके चलते हैं और ये बोलते हैं कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। ये क्या हर कोई बोलता है, जो भी समझदार है वो यही बोलेगा कि देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान के हिसाब से चलेगा, और संविधान में फंडामेंटल राइट्स है और उसमें लिखा है सबको समानता का अधिकार है, हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। यहां तक कि जब CAA के प्रोटेस्ट हुए तब ये आए और इन्होंने प्रीएम्बल पढ़ा, जो कि हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना पढ़ी और फिर गायब भी हो गए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम, सब कुछ तो सही चल रहा है, प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हिंसा होती है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं कि हिंसा से मेरा कोई लेना देना नहीं है और हिंसा को मैं पूरी तरीके से कंडेम करता हूं, मैं किसी भी तरीके की हिंसा के खिलाफ हूं, और जो हमारे राइट्स हैं सरकार सुन ले, हमारे जो अधिकार है वो सरकार सुन ले, ये इनका मानना है। लेकिन हिंसा तो हुई है, 2017 में वॉयलेंट क्लैशेस हुई, तो 2014 में इन्होंने भीम आर्मी बनाई, भारत एकता मिशन। अब इसमें बहुत कुछ है, इनकी जो भीम आर्मी है ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा काम करता है, या कम्युनिटी वर्ड तो सही नहीं होगा, ये बोलते हैं जो भी कमजोर है वो कहीं का भी हो, जो भी कमजोर है हम उसके लिए काम करेंगे। तो भारत एकता मिशन, ये अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे बकायदा ट्यूशन क्लासेस चलती हैं, स्कूल चलाए जाते हैं, बल्कि मिनिस्टर्स भी हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं इनका, इनकी जो कम्युनिटी है, इन्होंने छोटी सी सरकार बना रखी, हालांकि वो डेफिनेटली उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन ये जो ग्रुप है ये समाज के लिए कुछ कर रहा है इनके हिसाब से, चंद्रशेखर के हिसाब से। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 2014 में इन्होंने बनाई, लेकिन 2017 में चीजें बहुत ज्यादा खराब हुई, वॉयलेंट क्लैशेस हुए। क्यों हुए? इन्होंने अपने गांव में कुछ ऐसी चीज लगा दी जो शायद गलत थी या सही थी, लेकिन वो चीज शायद तो लगानी नहीं चाहिए थी, उसमें कुछ जाति सूचक वर्ड लिखा था, वो वर्ड को मैं नहीं बताऊंगा क्या लिखा था उसमें, लेकिन उन्होंने कैसी होर्डिंग लगा दी जो गलत था। अब वहां पे हुआ क्या कि जब यहां पे अपर कास्ट हिंदू ने ये देखा, जब ठाकुरों ने ये देखा, तो उनका मूड खराब हो गया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पर कालिक पोत दी और यहां से क्लैशेस शुरू हो गई। हालांकि इससे पहले जिस कॉलेज से इन्होंने अपना पढ़ाई की थी, एचपी इंटर कॉलेज, वहां पे भी कुछ स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेन की थी कि हमारे साथ जो लो कास्ट के थे, हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जाता है जो बहुत ही गलत है, अभी भी हमको पानी नहीं पीने दिया जाता और अभी भी यहाँ पे जो लोग हैं, जो अपर कास्ट हिंदूज हैं, वो हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो अब यहाँ पे जब स्कूल प्रशासन से कंप्लेन की तो वहां पे कुछ नहीं हुआ, तो चंद्रशेखर आजाद उस समय लीडर थे, लोकल लीडर थे, तो इनके पास गए, तो उन्होंने पहले समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन भीम आर्मी का ये मानना है कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ। अब यहां पे दोस्तों हम देखते हैं कि जब ये, तो चलिए एक अलग ही कहानी है, ठीक है पहले, लेकिन जब ये होर्डिंग लगाई तो बहुत बवाल हुआ, बहुत ज्यादा बवाल हुआ। ठीक है, और अभी मैं एक राहुल कंवल का इंडिया टुडे का इंटरव्यू देख रहा था, वो इनके यहां गए थे, तो वो चीज अभी भी लगी हुई है और कोई रिग्रेट नहीं है। खैर, वो चंद्रशेखर आजाद का पर्सनल मानना है और हर किसी को यहां पर अभिव्यक्ति की आजादी है। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या कि कालिक पोत दी गई वो जो होर्डिंग थी, और इसके बाद जो है क्लैशेस शुरू हो गए, किसके बीच में, चंद्रशेखर आजाद के बीच में और पुलिस के बीच में। अब पुलिस का सपोर्ट था अपर क्लास हिंदूज का, ठाकुरों का, और यहां पे चंद्रशेखर आजाद की अपनी कम्युनिटी, तो दोनों में वॉयलेंट क्लैशेस हुई और फिर गिरफ्तारी भी हुई। 2017 में भी दोस्तों इसी तरीके की क्लैशेस हमको देखने को मिलती है, जब महाराणा प्रताप पे जो वहां पे उनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा था, फिर चंद्रशेखर आजाद और यहां पे कुछ जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने कंप्लेन कर दी, तो फिर हमको वॉयलेंट क्लैशेस देखने को मिलती है। एक और बार वॉयलेंट क्लैशेस हुई जब संत रविदास पे कालिक पोत दी गई थी, उनकी मूर्तियों पे कालिक पोत दी गई थी। अब ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजों से हमको बचना चाहिए, है कि नहीं, ये गलत है। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ,
और वॉयलेंट क्लैशेस हुई। तो यहां पे हम देखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद फिर लोगों की नजर में आए, लोगों की नजर में आए। और अभी जो भीम आर्मी है, अगर इस आर्मी की हम बात करें तो 350 फ्री स्कूल चलाता है। कहां पे? सहारनपुर में, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, जो कि वेस्ट यूपी में आते हैं। और बी आर अंबेडकर की बहुत इज्जत करते हैं, उनको अपना आइडल मानते हैं चंद्रशेखर आजाद, कि जो अंबेडकर ने कहा था, हालांकि जो अंबेडकर ने कहा था कि पहले शिक्षित बनिए, फिर संगठित होइए, और फिर मतलब कुछ नाम करिए अपनी कम्युनिटी का, ठीक है। अब ये चंद्रशेखर आजाद ने एक वर्ड और जोड़ दिया उसके आगे, शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और स्वाभिमानी बनिए। अपने अंदर स्वाभिमान भी लेके आइए, सेल्फ रिस्पेक्ट भी लेके आइए, ठीक है। तो यहां पे स्कूल चलाते हैं, 350 फ्री स्कूल्स भी चलाते हैं। चलिए, ये काम तो अच्छा कर रही है। अगर भीम आर्मी की बात करें कि एजुकेशन, शिक्षा से ही तो हम चीजों को सही कर सकते हैं। अगर हमको आगे बढ़ना है तो शिक्षा के अलावा, ज्ञान के अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। अब 2017 में दोस्तों, जब सहारनपुर में ये वॉयलेंट क्लैशेस हुए, ठीक है, और ये बात बहुत ज्यादा बढ़ गई, महाराणा प्रताप और फिर संत रविदास के, उसमें बहुत ज्यादा बातें बढ़ गई, अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट, इन दोनों के बीच में ये क्लैशेस हुए, तो यहां पे चंद्रशेखर को तुरंत गिरफ्तार कर दिया गया और स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने इनको गिरफ्तार किया। फिर उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको बेल दे दी। लेकिन यहां पे जो उस समय की यूपी सरकार थी, और उस समय तो ताजा ताजा मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया दोबारा से, और 2018 में चंद्रशेखर को फिर एक्विट कर दिया जेल से। फिर चंद्रशेखर रिहा होके आए, इनको बरी किया, और उसके बाद फिर चंद्रशेखर आजाद जो है वो अभी आप देखते हैं कि इंटरव्यूज देते हैं और स्पीचेस भी देते हैं, और कहीं पे भी अगर धरना प्रदर्शन होता है या अगर रैलीज में भी जाते हैं, और कहीं अगर ऐसा धरना प्रदर्शन होता है जो उन लोगों के लिए है जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, तो वहां जरूर जाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी रैलीज भी करते हैं। एक बहुत ही फेमस न्यू दिल्ली में 2017 में जो रैली हुई थी, 10,000 लोगों ने अटेंड की थी, दिल्ली पुलिस ने ये बोला था। अभी आपने देखा CAA के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए, वहां पे चंद्रशेखर आजाद हमको दिखाई दिए, ठीक है ना। तो ये सब कुछ, इस गांव में 22% जो है वो दलितों की आबादी, हालांकि अगर दलितों की बात करें तो बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स आए हैं। काशीराम की अगर बात करें, आजादी के बाद काशीराम की बात करें, आजादी से पहले तो आपको पता है महात्मा गांधी, जिन्होंने हरिजन बोला था, भगवान के लोग, ठीक है। तो भीम आर्मी की एक कार्यकर्ता है, और चंद्रशेखर आजाद भी बोलता है कि मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना, मैं कार्यकर्ता हूं। जो वर्ड्स हैं मैं इन्हीं के इंटरव्यू से लेके आ रहा हूं, ठीक है, ये मेरा नहीं है, याद रखिएगा, मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो यहां पे चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं कि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं तो कार्यकर्ता हूं और अपने समाज के लिए काम कर रहा हूं, और मैं भी मुल्क से उतना ही प्रेम करता हूं जितना आप सब लोग करते हैं। तो यहां पे इनकी एक और कार्यकर्ता है ममता, एक लेडी है ममता, जो कि कार्यकर्ता है, भीम आर्मी की कार्यकर्ता, वो भी अपने एरिया में बहुत ज्यादा फेमस है। तो बोलती है कि हरिजन, हमको हरिजन बोला गया, लेकिन जब हरि ही हमारे साथ नहीं है तो हम कैसे हरिजन हुए। अभी गांधी जी ने वर्ड दिया था, अब आपको पता ही है कि कॉलोनियल टाइम्स में क्या था। गांधी जी यहां पे, गांधी जी एक ऐसे लीडर बन के उभरे थे जिन्होंने ये बात उठाई, अनटचेबिलिटी की बात उठाई, और गांधी जी ने जो अपना साबरमती आश्रम बनाया था, गांधी जी पे कम से कम 10-15 लेक्चर्स हैं दोस्तों, उनकी किताब का भी मैंने रिव्यू किया है, उसमें हर कोई वेलकम था, जिसकी वजह से गांधी जी को बहुत आलोचना झेलनी पड़ी थी, कोई भी आ सकता था, और गांधी जी ने वाकई बहुत आलोचना झेली। ये 1918 का समय है, और यहां पे इनके आश्रम को फंडिंग तक आना बंद हो गई। लेकिन उसी दौरान एक और लीडर का उदय हो रहा था जिनका नाम था भीमराव अंबेडकर। अब अगर आप कंपैरिजन करें तो भीमराव अंबेडकर का जो इंटेलेक्ट था वो कमाल का था, बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान, बहुत ही पढ़े लिखे, उनकी किताब का मैंने रिव्यू किया, उनकी बायोग्राफी रिव्यू की है। लेकिन ऑन द अदर हैंड गांधी जी भी बिल्कुल इक्वली मैच करते, या शायद अंबेडकर से ज्यादा ऊपर, क्योंकि गांधी जी के साथ पूरी जनता थी। गांधी जी हमेशा मुस्कुरा के बात करते थे, 5 साल जेल में रह के आए, बाहर आए, मुस्कुराहट है उनकी हमेशा, ऑलवेज। तो ये जो दो लीडर्स थे, ये बहुत बड़े लीडर साबित हुए अगर हम अनटचेबल्स या फिर दलितों की बात करते हैं, ठीक है। आजादी के बाद दोस्तों अगर हम देखें तो उसमें काशीराम हो गए, मायावती हो गई, 1977 में एक सभा में जब मायावती ने बोला था कि हम अपने आप को हरिजन नहीं मानते, तब वो काशीराम की नजर में आई। अब मायावती भी बहुत बड़ी लीडर, और अभी अगर युवाओं में बात करें तो चंद्रशेखर आजाद। अब चंद्रशेखर आजाद और मायावती की बनती ज्यादा नहीं है, हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने मायावती को कभी कुछ नहीं बोला है, ठीक है। मायावती और चंद्रशेखर आजाद में थोड़ा सा खटपट तो लगता है, हालांकि पब्लिकली चंद्रशेखर आजाद कभी ये चीजें नहीं बोलते हैं। चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं कि मायावती ने हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन पूरा काम नहीं किया, अभी भी आगे बहुत कुछ करना है, ये कास्टिज्म को पूरी तरीके से
खत्म करना है। तो चंद्रशेखर आजाद इस तरीके के हैं और बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और पुलिस इसके लिए इनको अरेस्ट कर लेती है। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों जब इनको अरेस्ट किया गया, बार बार अरेस्ट किया गया, तो लोगों की भीड़ आ जाती थी, इनके कम्युनिटी के लोग आ जाते थे और बोलते थे कि इनको तुरंत ही रिलीज करो। और फाइनली 2019 में ये समय आया जब चंद्रशेखर आजाद ने ये बोला कि अब हम पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, अब हम चुन के आएंगे, यहां पे इलेक्शंस लड़ेंगे। 2020 में दोस्तों जब CAA के प्रोटेस्ट हुए, वहां पे हम देखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद देखे गए। ठीक है, वहां पे चंद्रशेखर आजाद को देखा गया और वो उस समय जामा मस्जिद में प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो एकदम से निकल के आया, उन्होंने प्रीएम्बल पढ़ा और उसके बाद फिर एकदम से गायब भी हो गया। चंद्रशेखर आजाद का कहना था कि हमने परमिशन मांगी थी लेकिन हमको परमिशन नहीं दी गई, भले ही धारा 144 लागू हो, 5 से ज्यादा लोग वहां पे नहीं इकट्ठा हो सकते, तो मैं अकेले जाने वाला था, लेकिन हमको परमिशन नहीं दी गई और अभिव्यक्ति की आजादी तो सबको होनी चाहिए। ठीक है, और 15 मार्च 2020 को हम ये देखते हैं कि इन्होंने अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी का अनाउंसमेंट किया, आजाद समाज पार्टी। ठीक है, अब अगर आप इनको देखें, ठीक है, तो ये बुलेट से चलते हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं, देखे ना आपने फोटो देखे ना, एकदम हीरो टाइप लगते हैं और दाढ़ी है और लंबे चौड़े हैं, तो इसलिए लोग और ज्यादा बोलते बहुत अच्छा है, तो लोग और ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। लेकिन वही चीज है कि अगर समाज में समानता आ रही है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हिंसा हो रही है तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो तो फिर नहीं होना चाहिए। तो आप देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी जो इन्होंने बनाई है वो कैसा परफॉर्म करती है, इनकी पॉलिटिकल पार्टी को, हालांकि इनिशियली तो बसपा ने और कांग्रेस ने भी सपोर्ट दिया है, अभी देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है, तो देखना पड़ेगा, अभी तो युवा है, यंग लीडर है, और देखते हैं आगे ये कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ये कहानी थी चंद्रशेखर आजाद की, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, फिर से आग्रह कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कुछ भी गलत ना लिखे, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।